साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 1 घंटा 50 मिनट बिताएंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:20 तक आयोजन स्थल पर रहेंगे। पीएम सुबह 10:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का उद्घाटन करेंगे। मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद पीएम का देश और दुनिया के दिग्गज उद्यमियों के साथ फोटो सेशन होगा। सुबह 11 बजे पीएम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 11:40 से 12:20 तक समिट को संबोधित करेंगे। बता दें कि इन्वेस्टर समिट 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की थी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, वहीं पीएम मोदी शामिल होंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि कल प्रदेश के अंदर में निवेशकों का बाजार लगेगा। आपको बताया कि प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 दिवसीय आयोजन होगा। इस आयोजन में बात करें तो आयोजन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी, साथ ही समापन देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। आपको बताएं कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचकर और अपनी शुभकामनाएं देंगे सूबे के मुख्यमंत्री को, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण को। और आपको बताएं कि जो निवेशक आएंगे उनको, उनके लिए भी एक मैसेज छोड़ते हुए वो जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि उनके आने के कार्यक्रम 2 घंटे का समय, 2 घंटा वो लखनऊ में रहेंगे और इस दौरान वो कार्यक्रम में हर एक बिंदुओं के बारे में जानेंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य मौजूद होंगे। आपको बताएं कि इस आयोजन से कहीं ना कहीं मयूरी देखा जा रहा है तो प्रदेश की विकास की में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है योगी सरकार का, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से अपनी सहभागिता देंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के लिए कल यूपी की योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का कल शुभारंभ करेगी। इस शुभारंभ में बात करें तो 20 देशों से, लगभग 20 से अधिक देशों से 10,000 से अधिक इन्वेस्टर निवेशक निवेश की इच्छा जाहिर करने आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि पूर्व में आपने देखा कि सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में जाकर MOU साइन किए और इससे साफ है कि माना जा रहा है कि जो एक लक्ष्य है कि 3 लाख करोड़ का, वो पूरा हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आयोजन से जो कहा जा रहा है कि इकोनॉमी के साथ साथ रोजगार के भी अवसर प्रदान होंगे, वो कार्यक्रम के बाद जब कंपनियां अपना रूपरेखा यहाँ रखती है उसके बाद कहना साफ होगा। मगर बात की जाए तो तमाम नामी गिरामी कंपनियां यहां आ रही हैं। इसको लेकर राजधानी लखनऊ को सजाया गया है और प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक पहले अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर श्री राम के, माफ करिएगा, लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा को लगाया गया है। क्योंकि लखनऊ शहर में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां निवेशकों के लिए गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं, भारी गाड़ियों को शहीद पथ से जाने की अनुमति नहीं है, उस एरिया से छोटी गाड़ियां गुजर सकती हैं। साथ ही आपको बताएं कि सुरक्षा की अगर बात करें तो लगभग 20 SSP लेवल के, साथ ही साथ आपको बताएं कि DCP लेवल के अधिकारी, साथ ही कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के DGP मौके पर रहेंगे। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इन आला अधिकारियों के द्वारा निगरानी में होगी
और बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी स्वयं की सुरक्षा होती है और प्रधानमंत्री के आने के पहले ही उनकी सुरक्षा यहां आकर सुरक्षा के इंतजाम को देखकर और वो यहां से गाइड करेगी, तब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। आपको बताया कि प्रधानमंत्री के साथ विशेष सुरक्षा दल चलता है, एसपीजी उनके कार्यक्रम के जहां भी होता है उससे पहले पहुंच जाता है और सुरक्षा की दृष्टि को नापता है, उसके बाद प्रधानमंत्री के काफिलों को आने की अनुमति देता है। और बात करें तो राजधानी लखनऊ में हो रहे आयोजन की सुरक्षा की, तो ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ उन सब एरियो में ऐसे कई सारे जो रिमोट डिवाइस है वो नहीं काम करेंगे, ऐसे कई सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए पूरी हर एक पल पल पे जो चप्पे चप्पे पे प्रशासन की निगाहें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कल देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, साथ ही आज देर शाम अमौसी एयरपोर्ट पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर श्री लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। माना ये जाता है कि लखनऊ का एक नाता रहा है लक्ष्मण जी से और प्राचीन काल में उनके ही नाम पर लखनऊ का नाम हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले अमौसी एयरपोर्ट पर ये सब व्यवस्थाएं होंगी, साथ ही प्रधानमंत्री अपने मैसेज से कहीं ना कहीं मंत्रियों को साथ ही साथ निवेशकों में अपनी छाप छोड़ेंगे। जी धन्यवाद भ्यांशु तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। अखिलेश ने पूर्वांचल में गाजीपुर को जनसभा और कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए चुना है। अखिलेश यादव आज सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं। वे आज 11:15 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से बलिया के लिए रवाना होंगे। शाम 3:20 पर पुनः बाबतपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। पूर्वांचल से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे अखिलेश यादव, वहीं स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बता दें गाजीपुर दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस खबर पर हमारे संवाददाता गाजीपुर से पवन मिश्रा हमसे जुड़ेंगे। पवन, अखिलेश यादव गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मानी गुरुवार को जनपद में होंगे। वह लुटावन महाविद्यालय शकरा में पूर्व पंचायत राज मंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ यादव के प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर बुधवार की देर शाम तक तैयारियां चलती रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से 2 बजे शकरा के लुटावन महाविद्यालय में पहुंचेंगे, वहां करीब 1 घंटे तक रहेंगे। सपा के नेता दिन भर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे रहे। कार्यक्रम के आयोजक जंगीपुर विधानसभा के विधायक वीरेंद्र यादव व कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राजधारी यादव ने बताया कि वह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा गाजीपुर में अखिलेश यादव का। पवन, अखिलेश यादव 2024 के चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं आज सभा को भी संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ रणनीति बन सकती है 2024 के चुनाव को लेकर? जी मेहरू, हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 2019, 2017 और 2022 इसको लेकर इसके पहले भी अखिलेश यादव ने गाजीपुर में रैली की है, जनसभा की है, लेकिन पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 का शंखनाद गाजीपुर से किया था, पूर्वांचल से गाजीपुर से किया था, उसी को लेके अखिलेश यादव भी आज 2024 के लोकसभा 24 के चुनाव का आगाज गाजीपुर से करेंगे। हम आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की पांचों सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है। जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए।
अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।